गोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 65 लीटर महुआ शराब को जब्त किया और 3,500 लीटर महुआ वाश को नष्ट किया है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंदन कुवरिया, एसपी सुरेश कुमार सांवरिया एवं पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल चौहान के द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं हथकर शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोआ थाने की 3 अलग अलग टीमों ने कडाना बैकवाटर के पास कार्रवाई की गई। हथकर शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया गया है। सामग्री भट्टियां, 11 टंकियां, एल्यूमिनियम के 2 डेचे, 1 तांबा का घड़ा, प्लास्टिक की पाइप एवं 65 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं 3,500 लीटर महुआ वाश को नष्ट किया गया है। मेडिटेम्बा निवासी वेस्ता उर्फ वेसात पुत्र वरसिंह सरपोटा एवं छगन पुत्र हलिया सरपोटा के खिलाफ अलग अलग मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी गोपालनाथ, बंसीलाल, कैलाश, महिला कांस्टेबल मिथुन रिकूट, गजेंद्र सिंह, दूसरी टीम में हीरालाल, वीरेंद्र सिंह, राजमल, लक्ष्मण, गणेश, लोकेश, चुन्नीलाल, मोहनलाल व जयंतीलाल, वहीं तीसरी टीम में चीखली चौकी प्रभारी राजाराम, विनोद, इंद्रजीत सिंह, जीवराज, रणछोड़, भागीरथ एवं रमेश चंद्र शामिल है। बाइट थानाधिकारी गोपालनाथ। आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वृत्ताधिकारी महोदय व्रत सिमरवाड़ा के निर्देशानुसार पुलिस थाना कुआ और इसकी तीनों चौकियों के जाब्ते को सम्मिलित करके 3 टीमें बनाई जाकर मेडिटेम्बा इलाके में दबिश दी गई और वहां से 3,500 लीटर महुआ वास नष्ट किया, 65 लीटर शराब जब्त करी और 2 अभियुक्त गण के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अभियुक्तगण है वैसाद पिता वरसिंह जाति सरपोटा निवासी मेरा टेम्बा और छगन पिता हलिया जाति सरपोटा, इन दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाकर तलाश जारी है।